यूपी में योगी जी ने सारे गैंगस्टर्स खत्म कर दिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन रियल गैंगस्टर्स अभी भी उनके कब्जे से बाहर हैं। पीछे ले गाड़ी, पीछे ले नहीं पीछे लीजिए होता है, और गाड़ी पीछे होगी नहीं। अपने साहब को बोल दीजिए कि अब वो पीछे ले। सन की नहीं हूँ, बस घमंड है उत्तर प्रदेश का होने पर, और कभी उलझना मत। ये जो रियल गैंगस्टर वाला कोर्स है ये काफी टफ है, मतलब हर कोई नहीं इसको कर पाता, क्योंकि इसमें आपको रोज एक ही कुर्ता प्रेस करके पहनना है। आपके अंदर अपने जान पहचान वालों से गाड़ी मांगने की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज तो आप एकदम भूल ही जाओ। साथ में आपके आसपास आपसे भी कुछ गरीब दोस्त हो जो काली पैंट और काली टी शर्ट पहन के आपकी वीडियोज में बॉडीगार्ड का रोल प्ले कर सके। उसके बाद जो सबसे मैंडेटरी है वो है आपकी नुन्नी से भी छोटी आपकी हिंदी शब्दावली। आपको वही 4-5 शब्द बार बार यूज करने हैं, जैसे भोकाल, दबदबा, प्राटाकाल, फॉर्चुनर को फार्चुनर बोलना, पेल दिए जाएंगे, यूआई उत्तर प्रदेश। भैया जी, सुनने में आ रहा है कि फोर्ड वापस आ रही है। फोर्ड नहीं, फोर्ड एंडीवर वापस आ रही है, और वापस भी नहीं आ रही है, इसको लाया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया है। हाँ भाई, हेनरी फोर्ड का पोता आप ही के तो फोन का वेट कर रहा था कि कब हमारे रियल गैंगस्टर अपने दोस्त की फॉर्च्यूनर को मिल कर करके थक जाए, उसके बाद कब हमें अलाउ करें हमारी एंडेवर इंडिया में लॉन्च करने के लिए। फोर्ड एंडेवर इकलौती ऐसी गाड़ी है जो सड़क पर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे जीता जागता दम पिशाच निकला है। लोगों को एहसास होता है कि अब हम में से कोई नहीं बचे। हाँ चलो, फटाफट साहब की गाड़ी पे कपड़ा मार, वो मीटिंग से आते ही होंगे, बाकी की रील कल शूट करियो। फास्टैग नहीं तो कैश देना पड़ेगा। पहचान नहीं रहे तू? तो वही चोर है, ये काला कुर्ता किसका पहन लिया आज? ऐसा काम मत करो कि पोस्टमार्टम के बाद तुम्हारा परिवार खुद तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। साले पिछवाड़े में लट ऐसा धुआं तेल लगा के सारे भांग के नशे उतर जाएंगे। ये खेतों में मजदूरी करने जाना तू, वहाँ डोल पे बैठ के भांग मत रगड़ा कर, फिर पूरे दिन नशे में अपने आप को युवा नेता समझाए। दो ही सबसे मुश्किल जॉब है इस दुनिया में, एक तो नासा में एस्ट्रोनॉट बनना और दूसरा इसकी रील में बॉडीगार्ड बनना। अब देखो, अंकल का फ्लैट फेस एक्सप्रेशन बता रहा है कि उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, वो चाह रहे हैं इसको गाली बकना, बट उनके भी स्ट्रगलिंग एक्टिंग करियर का सवाल है यार। चलो टिकट हाथ में ले लो सर। टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? अबे जब तुझे कोई कहीं पे पहचानता ही नहीं है तो तेरा फिर भोकाल किस बात का है? इसका वही वाला काम है कि अपने मोहल्ले का वार्ड मेंबर का इलेक्शन जीत लिया और अब सीएम ऑफिस के बाहर जा रहे हैं, उनके सिक्योरिटी गार्डों से अपना परिचय दे रहे हैं, हम भी जीते हैं। हाँ, वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है, टिकट नहीं रहते हैं, तत्काल टिकट दे देते हैं। टिकट नहीं है तो 300 रुपया फाइन लगेगा। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। अबे जब इतना ही पैसा था तो टिकट ही लेके चढ़ जाता। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात नेताजी के बारे में पता क्या लगती है? ये एकदम बजट में टाइट चलते हैं, फेकम फाकी इनकी एकदम प्राइवेट जेट वाली है, बट बेचारे ट्रेवल मुंबई लोकल में कर रहे हैं। श्रीलंका वालों खैर मनाओ कि दशहरा के बाद आए हो। हमारे यूआई उत्तर प्रदेश की सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हैं, बाकी इनसे बड़ा कंजूस मैंने कहीं नहीं देखा। स्टेडियम में भी गए लेकिन 500 रुपए वाली सबसे सस्ती स्टैंड में सबसे पीछे ऊपर बैठे हैं। अब इसको मैं डाउन टू अर्थ बोलूं या जेब से टाइट? और जो लोग इन क्रिंज रीलर्स को देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आईपीएल 2024 शुरू हो चुका है और इतने एक्साइटिंग मैच हो रहे हैं भाई, मैं तो रोज शाम को 7 बजे सारे काम छोड़ के बस मैच के मजे ले रहा हूं, क्योंकि इस बार मुझे लग भी रहा है कि मेरी फेवरेट टीम आरसीबी जीतेगी। नहीं, आरसीबी वालों जीतोगे ना? नहीं, ई साला तो कप नाम दे। लेकिन मैं अपने ओपिनियन तो फ्री में नहीं देता, मैं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ एमपीएल ओपिनियो पे। एमपीएल ओपिनियो इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम है। यहाँ आप आईपीएल क्रिकेट मैचेस से और रिजल्ट से रिलेटेड येस और नो में सिंपल आंसर दें और करोड़ों जीते। जैसे मुझे विमेंस आईपीएल में लगा था कि आरसीबी जीतेगी, तो मैंने विल बैंगलोर विन द मैच पे येस क्लिक किया, अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी सेट की और सबमिट किया, तो क्वींस ऑफ आरसीबी की विन के साथ साथ मुझे खुद भी बड़ी जीत मिली। और यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल तो इतना आसान है, बस एक क्लिक के साथ आप कोई भी UPI यूज कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो यार, आप भी MPL ओपिनियो डाउनलोड करो, अपना क्रिकेट एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे दो और डेली बड़ा जीतो। अब मुफ्त में नहीं बताएंगे अपने ओपिनियन, बताएंगे तो सिर्फ और सिर्फ MPL ओपिनियो पे बताएंगे। डाउनलोड करो और पाओ साथ में बोनस भी। तो जाओ यार। अरे भैया जी, लौंडा निपट जाता, अभी लौंडा निपट जाता तो क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा दे दिया जाता। गलती से EMI पे भाई को किसी ने थार दिलवा दी तो इसने अपना पूरा करियर ही उसी थार के अराउंड बना दिया। अब पता इसको भी है कि थार की EMI निकलेगी भी रील से ही। भैया जी, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि बगल में अस्पताल है, गाड़ी धीरे चलाए। अरे तो अस्पताल हमारा ही है, उसको भर्ती करा के फिर इलाज करवा देते उसको। रोला 0%, ऊंची ऊंची बातें 100%। वैसे तो हमारे सेल्फ सर्टिफाइड युवा नेता का टोरा इतना तगड़ा है, मतलब इनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी है, ये अपने अकाउंट पे दिखाते
तो 100 गाड़ियां हैं। मैंने सबकी नंबर प्लेट चेक किया आरटीओ ऐप पे भाई, लेकिन सिर्फ ओन एक ही करते हैं थार, वो भी किस्तों पे। और चलो वो भी ठीक था भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो एटलीस्ट उसका तो नंबर वीआईपी ले लेता। उसका नंबर कॉमन से भी कॉमन है, मतलब जो सबसे घटिया सबसे भद्दी नंबर होगा ना वो इसको दे दिया इसकी शक्ल देख के। इसके पूरे अकाउंट पे तुम्हें इतनी गाड़ियां दिखेंगी, इतनी मांगी हुई गाड़ियां दिखेंगी, इसको देख के फील हो जाता है कि ये पोर्न में भी कार सेक्स देखता होगा। पीओवी यू आर फ्रॉम यूपी। सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 12 बजे। भाई यूपी से मैं भी हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन ड्राइवरी पे नहीं रहता, अपना काम करता हूँ। और तुझे भी बता रहा हूँ, मैं दूसरों की रैली में ड्राइवरी करनी बंद कर दे। इससे मुझे वही फील आ रही है, वो वना भी युवा नेता नहीं होते, आज मंत्री जी के आवास पर उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, ये सब स्टेटस लगाते हैं जो, और मंत्री को कद्दू नहीं पता है कौन है, वो भीड़ में बस फटाफट फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। जरूर इस विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। मंत्री जी चरण स्पर्श, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता, मन करता बस आप ही की छत्र छाया में। यार तो फिर आ गया, हर दूसरे का ड्रामा पहले सो। आज दिल्ली पार्टी कार्यालय में मंत्री जी ने युवा मोर्चा के महामंत्री पद की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी। अबे गधेड़ बुद्धि, जरा हाँ जी ये पढ़ के बताइए, जरा क्या लिखा कहाँ पे मंत्री जी? अरे ये वाला पढ़ के बता दे। हमारे हृदय सम्राट मंत्री जी के साथ आगामी चुनाव हेतु नामांकन में रहना हुआ। अरे तो भाई पानी की टंकी की व्यवस्था आपने कराई क्यों नहीं? गाड़ी कहाँ पे लगवा दूँ आपकी? अरे इधर ही लगवा दे। इधर एक बार और बता दो कहाँ पे? अरे इधर ही लगवा दे। आज मंत्री जी ने आगामी कार्य प्रणाली हेतु दिशा निर्देश दिए। ओए गधे इधर आ। हां जी मंत्री जी। अबे तू क्या फ्री की रोटी तोड़ने आता है यार? ये पकड़, मिश्रा जी के यहां दे गया इसको। आज नोएडा स्थित आवास एवं प्रदेश मुख्यालय पर माननीय जन प्रतिनिधि गण, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से स्नेह भेंट की। अबे अगले हफ्ते हम 21 कन्याओं की शादी करा रहे हैं यार, तुमने अभी तक टेंट वाले से बात नहीं करी? मंत्री जी मुझे किसी ने बताया नहीं टेंट वाले। मैं 10 बार बताऊंगा क्या यार? आज मंत्री जी ने प्रशंसा करते हुए पीठ थपथपाई। दोस्तों दिवाली की सफाई के दौरान दादाजी की कुछ पुरानी कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आपने केवल 1% देखा है बस। भाई किसी दिन तो होर्न नहीं हो गया ना, गाड़ी का साइलेंसर मत घिस दियो। तेरा कंटेंट तो नहीं, एटलीस्ट उसके पीछे गाना ही चेंज कर ले, कुछ नया लगा। मैं तुझे सजेस्ट करता हूँ, वो धांधा न्योई वाला का गाना आया है ना ब्लॉक, वो लगा यार, कुछ तो फ्रेश फील होगा। भैया जितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं आपके गैराज में, आप इस पोलो को बेचकर नून क्यों नहीं ले लेते? पहली चीज तो ये कि इसका नाम पोलो नहीं है, फॉक्सवैगन पोलो जीटी है। जीटी का अर्थ पता है तुम्हें? नहीं भैया जी। जीटी का अर्थ है तोड़। एक तो ये लोग ना आजकल गैराज पे अपनी गाड़ियां सर्विस के लिए ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये मजदूर बच्चे बोल्ट कसने की जगह उनके साथ रील बनाते हैं पूरे पूरे दिन। तभी तो आजकल गाड़ियों की सर्विस इतनी लेट हो रही है, पूरे लेबर तो रील बनाने में लगी हुई है। 1976 में लौंडे जब यमहा RX 100 और स्विफ्ट से 60 की स्पीड में लंठाई करते थे, उस समय हमारे दादाजी इसी फॉक्सवैगन पोलो जीटी से 240 की स्पीड में उन लोगों के दिन दहाड़े तोड़ दिया करते थे। हाँ भाई बहुत तगड़ा जलवा है आपका, मतलब बहुत तगड़ा। इवन मोदी जी खुद इन्हें फोन करके सुबह पूछते हैं कि बेटा उठ जाऊं कि नहीं। भाई एक काम कर दे, मैंने तो फुल ट्राई कर लिया, मेरे से तो नहीं हो रहा, पर तू सामने से तू ही मुझे ब्लॉक कर दे। मैं रोज रोज तेरे सेकंड हैंड गाड़ियों का सर्विस सेंटर नहीं देख पाऊंगा यार। और वैसे भी खाली इसके ब्लॉक करने से क्या होगा, ये जो रील गैंगस्टर वाली ब्रीड है ना आजकल, इसमें और भी नए नए कार्टून आ गए हैं। पूरा पूर्वांचल अपने कंट्रोल में है, और किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं जो आग दिखा दे। कहीं दिक्कत तो सिर्फ एक काल करना हमारे पास। भाई आपको देख के तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने बेडरूम से घर के बाहर तक आने में जितना समय लगेगा ना, उतने में लड़ाई खत्म होके मतलब फैसला हो जाएगा, जिनकी लड़ाई हुई होगी उनके बच्चे भी पैदा हो जाएंगे तब तक। तो आपको मैं क्यों कॉल करूं फिर, आपकी कॉलर ट्यून सुनने के लिए? ये सिर्फ थार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भौकाल का प्रतीक बनता जा रहा। महिंद्रा टीवी पे अपनी गाड़ियों के ज्यादा ऐड क्यों नहीं कराती? क्योंकि कुछ चूतिया फ्री में इंस्टाग्राम पे ही कर दे रहे हैं। अबे 15-17 लाख रुपए की गाड़ी ले ली भाई, उस पे कितना इतराओगे? हां हमने मान लिया कि पिछली 6 जनरेशन में पहली बार चुपहिया वाहन आया तुम्हारे परिवार में, पर वो जितनी खुशी जो एक्साइटमेंट तुम्हें हुई है उसको घर घर में रखो यार, लोगों पे है बहुत बड़ी बड़ी चीजें। ये तो हर किसी के घर में है भाई थार आजकल, हर किसी के घर में, जिसके घर में नहीं भी होनी चाहिए उसके घर में भी है। क्यों जलील हो रहे हो रोज रोज कमेंट सेक्शन में? थार वार कॉमन हो गई है, अपने मुसाफिर खनोम 3-4 ठिया है। अभी हम थार लेके आते तो ये होता कौशल अमन थार लेके आवा, और ये गाड़ी माफिया लोगों के लिए डिजाइन की गई है। अब देखो मैं अपने से छोटी हाइट वालों को गाली बकूंगा तो तुम कहोगे भाई तुम पंच डाउन कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। भाई अगर हिपोक्रेसी की कोई गूगल इमेज होती ना तो वो ये होती। एक ना बहुत पुरानी रिसर्च है कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो सबसे ज्यादा वाइल्ड पोर्न देखते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक वैसे ही ये छुटंकी उसी फ्रस्ट्रेशन में तो अब ये रील्स पे बदमाश बन रहे हैं। गाड़ी में इतना स्क्रैच कैसे लग गया? स्क्रैच नहीं लगा है, डिजायर वाले को ठोके। काहे भैया जी, उसी की गलती थी? गलती उसकी नहीं, गलती तो हमारी ही थी। रॉन्ग साइड हम ही जा रहे थे कि यदि ये काले रंग की स्कॉर्पियो
अनियंत्रित रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है, आपको अपनी गाड़ी साइड में लगा देनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए भैया जी आप फंस। हाँ भाई, अब इंटेंशनल रोड एक्सीडेंट भी ग्लोरीफाई किए जाएंगे। इसका दबदबा इस बात का है कि लोग कहते हैं अरे यार ये फिर आ गया, फिर से पकाएगा। ये एकदम ना मिस्टर फ्रेशर वाली पर्सनैलिटी ले रहा है, 17th रनर अप वाली इन द कॉम्पिटिशन ऑफ 20। ऊंची गाड़ी लेने के अपने फायदे होते हैं। ऊंची गाड़ी पे जैसे ही आप बैठते हैं ऐसी फील आती है अंदर से कि हम राजा बाकी सब भुनगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है खून में रंगबाजी उबाल मारने लगती है, गुंडाई करने का मन करता है। भाई हमारे पास भी एक स्कॉर्पियो एन है और आपके वाली से 4 मॉडल और 7 लाख रुपए ऊपर की, पर फिर भी ऐसी बकचोदी हमने कभी नहीं की। सच्ची में जियान है आप। वैसे ये स्कॉर्पियो के बेस मॉडल में से उतरने के लिए साइड में एक ऑल्टो तो लगती होगी या सीढ़ी वीडी से काम चला लेते हो। ए, सुनो वो डंडा उठा दो वरना यही डंडा उखाड़ तुम्हारी गर्दन में डाल देंगे और उसके बाद बिना कफन के दफन करेंगे मादर। अरे भैया जी की गलती हो गई भैया जी। जब टोल टैक्स देने की औकात ना हो ना, तब लोंडे ऐसी गुंडई की ग्लोरिफिकेशन वाली रील बना के उसकी आड़ में अपनी गरीबी छुपाते हैं। अच्छा है भाई, तू वैसे भी अपने गांव कमांड वाले जान पहचान वालों के साथ ही ये सब रील बनाता है टोल वोल की। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के टोल पे सब मत कर दियो, वरना घर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में उल्टी करता हुआ जाएगा। तेरी गाड़ी छुपहिया एलोए वेलोए सब वहीं पे रख लिए जाएंगे। ये अपने आप में विधायक सांसद वाली फील लेता रहता है अपने आप ही। ये वो युवा नेता जिसने पार्टी के नाम पे सिर्फ आज तक कंट्री पार्टी कराई है, वो भी स्कूल के बच्चों की, उसमें 50 रुपए खा गया। अगर मिर्जापुर के मुन्ना भैया को दर्शील सफारी वाली पर्सनैलिटी दे देना तो वो ऐसी रील बनाएगा। हमारे यहाँ अथाह पैसा, ऑल ब्लैक ऑल व्हाइट मिक्स कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट। आज तक कभी देखे हो हमको घर में? कभी हम कील गाड़ते हुए दिखाई दिए हो? नहीं भैया जी। हम अपनी गाड़ी में दो दो सीट कवर क्यों यूज करते हैं? क्यों? हमारे घर पर रहने वाले 3-4 ही लोग हैं, लेकिन जब तुम छत पर पहुंचोगे तो तुम्हें 3-4 टंकियां दिखाई देंगी पानी की। ऐसा क्यों? वैसे कभी कभी जैसे अपनी खुद की रील्स देखते होंगे तुम वापस स्क्रॉल करते हो अपने इंस्टाग्राम, तो ऐसे शर्म वरम नहीं आती है मैंने कैसे इमेजिनरी सा वर्ल्ड बनाया हुआ है। जैसे छोटी लड़कियां बचपन में गुड़िया खेलती है ना, ये वैसे इंस्टाग्राम पे दबदबा खेलता है। इसकी अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया में इसके पास 100 गाड़ियों का काफिला है अपना ही। ये MP MLA दोनों है उस दुनिया में। इसकी 6 विदेशी लड़कियों से शादी हो रखी है और उस दुनिया में इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि द ग्रेट खलीफ खुद इसके घुटनों तक आता है। चलो मैंने भी तुझे बहुत कर दिया सब बातें करके ना, अब मुंह से गुटका थूक और ये गाड़ी के साइलेंसर का वेल्डिंग लगना है जो आई हुई थी साहब की, और ये कुर्ता कभी ड्राई क्लीन पे भी दे दिया कर, पीला पड़ गया। एक मिनट जी, विधायक जी प्रणाम। विधायक जी इतना तनावपूर्ण स्थिति क्यों बना रखे हैं? सिर्फ 2 ही लोंडे तो निपटे थे, SP साहब से बात हो गई है, सिस्टम सेट? हाँ, सिस्टम तो अपने UI उत्तर प्रदेश के अंडर में ही है, भले ही रियल लाइफ में हॉर्न बजाने के ऊपर ही 4 लोगों से गालियां खाता हो, लेकिन सिस्टम है भाई का। स्क्रिप्ट का क्या है, अपने ही तो हाथ में, कितना ही भोकाल दिखा दो उसमें अपना। लौंडे को भी बोलिए एकदम तान के सोए, तनाव मुक्त होकर। आप शाम तक का समय दीजिए विधायक जी, ऐसा रशियन सिस्टम मंगवा रहा हूँ ना, जैसे ही कमरे में एंटर करेंगी लौंडे का अगर माइंड फ्रेश नहीं हो गया ना, आप नाम चेंज कर दीजिए। वाओ भाई, गाड़ी से मर्डर, फिर कल्प्रिट के लिए रशियन का इंतजाम। वाओ भाई, सो कूल भाई, आप ही तो हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे। भैया आप कब खड़े हो रहे हो इलेक्शन में? आपको गिराने आना है मुझे? आप भी एक पार्टी बनाओ ना भैया, मैं उसमें फंड तो नहीं दे पाऊंगा पर उससे मिलता जुलता जरूर कुछ दे दूंगा। खैर गाइज, अडल्टे उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। और मुझे सबसे खराब बात लगती है वो इस सब उल्टी सीधी चीजों का ग्लोरिफिकेशन लगता है और फिर बाद में नीचे कैप्शन में लिख दो कि ये सब एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था, ये सब तो बस हंसी मजाक के लिए था। मतलब फटती भी इतनी है कि फिर डिस्क्लेमर भी खुद ही डाल दे, तो मत बनाओ ना भाई ऐसी चीज बनाने के लिए, बहुत कुछ है इंटरनेट पे। खैर आप अगर चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे @lakshyonly फॉलो कर सकते हो, हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स, डिसेंट कंटेंट बनाते हैं यहाँ पे। हाँ भाई बहुत डिसेंट है भाई तुम्हारा कंटेंट, समझ गया मैं। और हमारा लाइव चैनल किंग्स आर लाइव, जहाँ पे हम लाइव आने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।